ऐसे था कि ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है कि मास्क और सैनिटाइजर हम बांटें। और जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को क्यों बांटें, या हम सब्जी विक्रेताओं को, फल विक्रेताओं को, ऐसे लोगों को भी बांट रहे हैं, वो खास तौर से इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी में ज़्यादा रोज़ जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसे ऑटो चालक आप देखते हैं, कोई सवारी बैठती है, कोई उठती है, उनको पैसे का लेन देन करते हैं या उनके साथ बात करते हैं, तो वो बहुत करीब से बात होती है। तो इसीलिए हम उनको ये सैनिटाइज़र बांट रहे हैं ताकि वो बार बार पैसे जैसे ही ले दे करें, दो बूंद डाल के। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का सैनिटाइज़र है और केवल दो बूंद से बहुत इफ़ेक्ट होता है इसका, तो वो ताकि अपने हाथ बार बार साफ़ करें, क्योंकि उनसे ये संक्रमण आगे ना फैले, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और रिक्शा चालक, ऑटो चालक ऐसे लोग होते हैं जो रोज़ रोज़ मास्क नहीं ले सकते, सैनिटाइज़र नहीं ले सकते, इसकी 3-4 बूंदों से हाथ साफ़ होते हैं। और ये अगर एक व्यक्ति यूज़ करे तो एक हफ्ता 10 दिन आराम से चलेगा, एक दिन में कम से कम 5 या 7 बार यूज़ करने से। और इसी तरह ये हमारे मास्क हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के बनाए गए हैं, जिनको हम वॉश कर सकते हैं। अक्सर आप देख रहे हैं लोग अपनी रुमाल या कोई इस तरह के बांट रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये मास्क थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। और ये आप रोज़ सुबह नहाते समय अगर आप डिटॉल साबुन से या किसी साबुन से धो लेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे तो ये रीयूजेबल है। ये एक मास्क एक व्यक्ति कम से कम 1-1.5 महीना चला सकता है, इतने बढ़िया कपड़े का है, होजरी का बना हुआ है और ईजिली वॉशेबल है, ईजिली होल्डेबल है, दम नहीं घुटता। अक्सर हम लोगों को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं दम घुटता, तो इसमें दम नहीं घुट रहा। अच्छा, एक बात और है कि अभी पीछे जब कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ था तो बड़ी संख्या में सैनिटाइजर मास्क बांटे जा रहे थे, अब ये जो मुहिम है कहीं ना कहीं दम तोड़ती नजर आ रही है। मेरे ख्याल से हमारी तरफ से तो ऐसा नहीं है, सरकार बराबर इस मुहिम को चला रही है और हमारे जैसे पार्टी के छोटे कार्यकर्ता इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक मुहिम कहें या एक लोगों को जागरूक करने का अभियान कहें, मैं समझती हूँ ये एक अभियान है, क्योंकि हम एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह से देते जा रहे हैं महीने में, 15 दिन में, हम मेरी भी बारी 15 दिन बाद लगती है कि आप बांटो, तो इसका मतलब एक एरिया में हम 15-15 दिन में बांटेंगे, तो मुझे लगता है जितना हम प्रयास करना चाहते हैं कुछ तो हम उसमें सफल होंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? परवीन भाटिया। भाटिया जी, आप भी साथ में लगे हुए हैं मैम के और लगातार सेवा कर रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है इस तरह का सामाजिक कार्य करके? बहुत खुशी मिलती है कि हमारे जरिए, हमारे माननीय खट्टर साहब के जरिए, बीजेपी सरकार के जरिए, कि किसी गरीब का भला हो, बीमारी ना फैले, तो आप कर रहे हैं इसी। क्या नाम है? रमेश। रमेश, आपको सैनिटाइजर मिला है हाथ साफ करने के लिए, कोरोना की बीमारी चल रही है, मास्क भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा लगा? बहुत खुशी की बात है जी, बहुत अच्छा लगा। कितना फायदा होगा, क्योंकि आपके साथ सवारियां बैठती हैं और सवारियां बैठती हैं जी, हाथ लगता है, पैसे देती हैं, उसमें भी हाथ लगे होते हैं, कोरोना वायरस के शिकायत हो सकती तो ये है। सैनिटाइजर काम आएगा, ये बहुत काम आएगा जी, बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू। नदीम खान, मैं भारतीय पार्टी सेल का कार्यकर्ता हूँ। और ये स्पेशली मेरे साथ सहयोग करने नूह से आते हैं। आप नूह से आए हैं? यस। तो ये सिर्फ समाज सेवा करने के लिए? यस यस। तो कितनी खुशी मिल रही है जब आप इतनी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उन्हें सैनिटाइजर और मास्क मुफ्त में वितरण कर रहे हैं? सर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 18 जून से 23 जून तक एक महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर में हर जिले में सैनिटाइजर और मास्क बांटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस महामारी को लेकर बड़ी चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल अभियान चलाया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है और इसको भारत जीतेगा कोरोना हारा की मुहिम चला रखी है। जय हिंद सर।